अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड. दिस इज़ योर टीचर मिस हसीन फातिमा. वेलकम टू अहमद पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. सॉरी बेटा, आई वोंट बी एबल टू अटेंड क्लास यस्टरडे बिकॉज ऑफ माई फीवर एंड कफ, एंड टुडे एज वेल आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ, थ्रॉट इन्फेक्शन. But we have to take the class, and this is your video for this class. I am starting the new lesson from this day, okay, on Tuesday. So you have to start with the morning session first. Assalamu alaikum, good morning students, how are you all? Start with thousands tasmiya. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Then we will recite the surah Hamd. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन. ओके, देन वी डू द रेसिटेशन ऑफ सूरह इख़लास. बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. In your book we have Surah Asr and Surah Nasr. Okay, open your Islamiyat book. Open page number 2 of your Islamiyat books. Surah Asr padhenge hum. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Theek hai ji, iske baad next page pe hamare paas aati hai Surah Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है पहला कलमा, दूसरा कलमा. पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह. और दूसरा कलमा आता है, दूसरा कलमा शहादत, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है. पहला कलमा नहीं है, लेकिन दूसरा कलमा आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 1 पे. दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू. ओके, इसके बाद हम मसनून दुआएं पढ़ेंगे कुछ, जैसे कि खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और खाना खाने की बात की दुआ आपके नंबर पेज नंबर 5 पे दी हुई है. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन. इसी तरह सफ़र की दुआ है एक, और दूध पीने की दुआ जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने वो आपको लर्न कराई, तो दूध पीने की दुआ आप मेरे साथ पढ़ेंगे. अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु. और सफ़र की दुआ पढ़ेंगे, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मकुन्ना लहु मुकरिनीन इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून. ठीक है जी, ये आपकी सफ़र की दुआ हो गई. सफ़र की दुआ के बाद आपकी बारी आती है बैतुलखला में दाखिल होने की दुआ, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस. उसके बाद बैतुलखला से बाहर निकलने की दुआ है गुफराना का. ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है आपके अल्लाह ताला के नामों की, जो पेज नंबर 4 पे आपके दिए हुए हैं. अस्सलामो सलामती वाला, अल-खालिक को पैदा करने वाला, अल-मुसव्विर सूरतें बनाने वाला, अल-अज़ीज़ सब पर ग़ालिब आने वाला. ठीक है जी, पेज नंबर 7 पे हम अल्लाह ताला से रिलेटेड चैप्टर पढ़ चुके हैं कि हम सबको किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने, हम कौन हैं मुसलमान, हमारा दीन क्या है इस्लाम, अल्लाह ताला का कोई शरीक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं पेज नंबर 8 पे, जो कि आपको सारे लर्न है माशाल्लाह से. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है पेज नंबर 9 पे, वो फरिश्ते हैं. और ये पिछले वीक भी हमने फरिश्ते चैप्टर पढ़ा था, लेकिन इस वीक हम सिर्फ रिविजन करेंगे इसका. तो आप लोगों को फरिश्तों के नाम बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए. 6 फरिश्तों के नाम हम लोगों ने पढ़े थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने किए थे, जो कि कुछ ऐसे थे कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदार मखलूक कौन सी है,
और फरिश्ते अल्लाह ताला की फरमाबरदार मखलूक है। अल्लाह ताला को फरिश्तों अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर रोशनी से पैदा किया है। या फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते? जी नहीं, फरिश्ते हर वक्त क्या करते हैं? फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और कुछ मशहूर फरिश्तों के नाम ही हमने भी याद किए थे, जो कि थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन और मुनकिर नकीर। ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि आगे हम प्रोसीड करें तो ये पीछे का आपको सब लर्न होना चाहिए। डेली बेसिस पे हम रिवीजन करते रहेंगे इसका। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोर्ड लेसन। ओपन योर बुक्स, फोनिक लैंग्वेज सीरीज, पेज नंबर 36। वी हैव अ न्यू लेटर साइन। We have to introduce this letter song on Monday, but unfortunately I won't be able to attend class yesterday, so I start with this today. This is pa. What is the sound? Pa. Pa is down and down, goes up and turn around. Okay ji, start from the arrow point. Pa is down and down and with the dot, then goes up and turn around. This is the formation of pa. You have to say the sound aloud, dress and color. Okay, pa peacock, pa pineapple, pa pigeon, pa parrot. What we have in the vocabulary? Pa peacock, pa pineapple, pa pigeon and pa parrot. So you have to repeat it again and again and say the sound aloud, dress and color. Okay, this is your classwork, page number 36. Now open your copies, phonic practice copy 2A. Open page number 140. We have a dressing of pa, so you have to say the sound aloud, dress and write pa. Start from the point. Pa is down and down, goes up and turn around. Okay, this is the formation of pa. You have to repeat it again and again, so you will be able to write pa. You have to write it with neat and clean handwriting. Okay, this is your classwork. Then you open page number 141. Pa pencil. This is also your classwork. Start with the dot, go down and down, go up and turn around. This is the formation of pa. Pa pencil. Okay. Page number 122. Per pen, and page number 123, per peacock is your homework. Okay, per pen and per peacock is your homework. Now it's time for the maths work. In maths, in this week we have to just revise the number counting 1 till 30. So in year of you don't have enough space in your copy and books, so take out your maths copy, rough copy, and this is your homework and classwork too. Ek page aap mujhe classwork mein karke batayenge, ek page aap mujhe homework mein karke batayenge. 1 se leke 30 tak aap logo counting likhni hai aur by heart likhni hai. 1 11 1 to 12 ye wala इस तरीके से पढ़ पढ़ के आपको लिखनी है, ताकि आप लोग को 1 till 30 में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप इसको कवर कर सकें. क्यों? और ये आपको रफ़ कॉपी में लिखनी है क्लास वर्क के लिए भी. यानी आप अपने घर पे लिखेंगे तो आप 2 times लिख के दिखाएंगे. ठीक है, मुझे एक क्लास वर्क एक होमवर्क कल मैं चेक करूँगी. ये आपका क्लास वर्क में आप लिखेंगे 1 till 30 और होमवर्क में भी आप लिखेंगे 1 till 30. ये आप लोग का मैथ्स का क्लास वर्क होमवर्क है, क्योंकि हमारे पास ना बुक में अभी स्पेस है ना कॉपी में अभी स्पेस है. इसकी वजह से मैं आप लोगों से बार बार रिपीट करने को कह रही हूँ कि ये आप लोगों को अपनी रफ़ कॉपी में रिपीट करना है. ठीक है जी, अब आप खोलिए अपना आओकायदा पढ़ें. ये अवकायदा पढ़े, इसका सफ़ा नंबर खोलेंगे आप. ओके जी, उर्दू की किताब ओपन कीजिए. आप अवकायदा पढ़े उसका सफ़ा नंबर 13 ओपन कीजिए, 13, जिसमें हमारे पास नया जो रूप है तहजीबमा तस्वीर दिया हुआ है, वो है चे. चे की पूरी अशकाल, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे से चूटी, चे से चिड़िया, चे से चाबी, चे से चीता. और भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं, जैसे चे से चम्मच, चे से चूटी, चे से चिड़िया, चे से चाबी, चे से चीता, चे से चम्मच. ये आप बार बार पढ़ेंगे, ठीक है जी, ताकि आपको लर्न हो जाए कि चे से हमारे पास क्या क्या आता है. उसके बाद अपनी मेरी उर्दू की किताब ओपन करेंगे, जिसमें हमारे पास पेज नंबर 39 पे आपको चे से और ज़्यादा तस्वीर दिखाई गई हैं, जिसमें हरूफ तेजी चे की पूरी अशकाल आप लोगों को ट्रेस करना बताई है. तो पेंसिल से इस पर हाथ फेरिए सही बनावट के साथ. चे से चम्मच, चे से चमचा, चे से चिड़िया, चे से चाबी,
जैसे चांद जैसे चीता। ठीक है जी, ये आप लोग का क्लास वर्क है। इसके बाद इसी बुक का पेज नंबर 42 ओपन करेंगे आप, जिसमें जैसे चिड़िया दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आपका क्लास वर्क है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आप लोग की क्लास वर्क है। उसके बाद आप कॉपी पे आइए, ये आप लोग की कॉपी है उर्दू की अमली किताब। इसका सफ़र नंबर 129 ओपन करेंगे, जैसे चिराग। ठीक है जी, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और सही बनावट के साथ जे लिखेंगे और जे के पेट में तीन नुक्ते लगाएंगे। ठीक है जी, जीम आप लोग को लिखना आता है। जब जीम लिखना आ गया आप लोग तो अब जे हे खे आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क आता है। ठीक है जी, जे के पेट में तीन नुक्ते होते हैं तो आप तीन नुक्ते लगाएंगे। ये आपका क्लास वर्क है। उसके बाद जे से चिराग पेज नंबर 130 पे ये आपका होमवर्क है और 131 पे जे से चांद ये भी आप लोग का होमवर्क है। आई होप आज की क्लास जो मैं नहीं ले सकी किस वजहों की बिना पे कि जूम का डिसकनेक्ट हुआ जा रहा था, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू भी था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी वजह से मैंने आप फटाफट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल तफसील से आप लोग के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग का आज का लेसन कवर हो जाए, तो हम आगे कल से इसके आगे से पढ़ें। ठीक है जी, आई होप यू आर ऑल गोइंग गुड और अच्छे से आप ये अपना होमवर्क कर लेंगे, क्लास वर्क कर लेंगे। और कोई भी कुछ भी आप लोग को पूछना समझना हो कल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।